मेरा नाम विप्लव कुमार पाठक है। परफेक्ट एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज यूपी टेट के सिलेबस से संबंधित सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति और उसका महत्व। तो ध्यान रखेंगे बोर्ड की तरफ और हम लिख लेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति एवं महत्व। तो ये हमारा एक पहला टॉपिक होगा यूपी टेट में। तो यूपी टेट में जैसे ही ये प्रश्न हमारा इस टॉपिक पर चर्चा करते तो हमें एक बात दिमाग में याद रखनी होती है कि जो भारत का भौगोलिक स्थिति है और उस स्थिति से भारत में जो स्थिति है उसकी महत्वता क्या है, उन दो टॉपिक पर चर्चा करनी है। और हम इस स्थिति को दो दृष्टिकोण से समझेंगे, एक विश्व के नक्शे से और एक भारत के नक्शे से। अब हमें विश्व के नक्शे में समझना क्या है ये ध्यान रखना है। जहां पर हम विश्व के नक्शे की बात करते तो हमारे दिमाग में ग्लोब का एक माइंड में आता है। ग्लोब यानी कि हमें ग्लोब की स्थिति को समझना है। अब इस ग्लोब की स्थिति में हमें जो चीजें समझनी है वो समझनी है अक्षांशीय और देशांतरीय। इन दो स्थिति को हमें समझना है कि अक्षांशीय स्थिति पर और देशांतरीय स्थिति पर भारत कहां पर स्थित है। दूसरा पॉइंट, भारत के नक्शे में भारत की जो बात करेंगे वो केवल हम सीमा की स्थिति को समझेंगे। ये हमारा जो टॉपिक होगा यही होगा और इसको पूरा हमें अध्ययन करना है और यहीं से यूपी टेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो। अब यहां से हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक आगे है उसको नक्शे से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये हमारी है पृथ्वी। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। या भूमध्य रेखा। अब ये जो रेखा है इसी को हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा। अब इस अक्षांशीय रेखा और ये अक्षांशीय रेखा भारत पूरे विश्व की स्थिति से संबंधित हमें भारत की सिचुएशन को भी स्थिति को समझना है। अब इसी के ऊपर एक और रेखा है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा और इसी के दक्षिण में स्थित रेखा है जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री पर है और ये भी 23.5 डिग्री पर है और ये भूमध्य रेखा जो है वो कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री। तो क्वेश्चन बन गया पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या हम कह लें भूमध्य रेखा। अब ये जब रेखा डिवाइड करती है, बांटती है, विभाजन करती है पृथ्वी को, तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण वाला हिस्सा कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक आप सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आएगी। और यहां पर जब पृथ्वी को दो भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया गया तो इस बांटने वाली रेखा को हमने क्या बोल दिया? विषुवत रेखा। अब
अक्षांश स्थिति में हमें ये समझना है कि स्थिति तो हमें यहाँ समझ में आ रही है, लेकिन आपने विश्व के नक्शे पे देखा होगा यहीं पर भारत स्थित है। यहां पर भारत है, तो यानी कि अगर हमारा प्रश्न पूछा जाए कि अक्षांश स्थिति पर भारत कहां पर स्थित है, तो आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। यदि देशांतर स्थिति में पूछता है तो हमें बताना होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, वो मैं अभी आगे आपको देशांतर वाले में क्लियर कर दूंगा। यहां पर एक बात और भी आपको नोट करनी है, क्योंकि यहां से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अक्ष स्थिति तो हमें समझ में आ गई कि उत्तरी गोलार्ध में आपका भारत स्थित है, लेकिन अक्षांश स्थिति की महत्व क्या है उसको समझ लें। तो अक्षांश रेखा की जो स्थिति है, स्थिति में और उसकी महत्वता को समझें कि यहां से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे तापमान में क्या होती है? कमी आने लगती है। यानी कि अगर हम विषुवत रेखा से और उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे तापमान में क्या आती है? कमी आती है। और ऐसे ही जब हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं तब भी हमारे तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तो ये पहला स्थिति का महत्व तो समझ लीजिए, तापमान में कमी। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव में जाने पर हमें किस चीज की कमी प्राप्त होती है? तापमान की। नेक्स्ट, अब यहीं से इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन करता है कि जब हम उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो हमें दिन और रात में क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी कि समय में वृद्धि होती है। तो जरूर ध्यान रखेंगे दिन रात में वृद्धि, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़े या उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़े, तो हमें क्या होगी? दिन और रात में वृद्धि होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यहां से अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे ही हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी जैव विविधता में कमी आती है, यानी कि हमारे जो जीव और मनुष्य जो निवास करते हैं वहां, आप जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वैसे ही उनके वहां पर क्या होती? कमी होने लगती, यानी कि वहां पर उतना वातावरण अनुकूल नहीं होता, इसलिए वहां पर लोग निवास नहीं करते हैं। तो यानी कि ये भी ध्यान रखेंगे जैव विविधता में कमी, जैव विविधता में कमी आने लगती है। समझ में आ रही है यहां तक बात? तो आपने एक बात समझ ली होगी कि अक्षांश स्थिति में भारत कहां स्थित है, अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा है ये एक अक्षांश रेखा है और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। यहां से अगर क्वेश्चन पूछ लेता विषुवत रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा 30.5 डिग्री पर स्थित है, तो कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 30.5 डिग्री पर कौन सी रेखा स्थित है, तो मकर रेखा। तो यानी कि यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत के दक्षिण में कौन सी एकदम निकटतम रेखा है अक्षांश रेखा, तो वो आंसर आएगा विषुवत रेखा। अब स्थिति समझ में आने के बाद हमें यह समझना है कि इस स्थिति को, अब स्थिति का महत्व तो क्या है, इस अक्षांश रेखा का पूरे विश्व में और भारत के नक्शे पर क्या महत्व तो पड़ता है। तो महत्व यह है कि जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते चले जाते हैं वैसे ही तापमान में कमी आती है, और जैसे जैसे फिर उत्तरी ध्रुव की, यानी कि दूसरा हमारा जो क्वेश्चन बनेगा दिन और रात में क्या होता है, आपने सुना होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, इसका यही रीजन है कि यहां पर दिन और रात में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विषुवत रेखा पर दिन और रात हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया है और ये पूछे जाते हैं, ये मैं आपको विश्व के भूगोल में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला जो पॉइंट होता है यहाँ पर जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब होता है आप जो मनुष्य या कोई भी जीव जिस क्षेत्र में रहता है उस एरिया, उस क्षेत्र को हम
जैव विविधता का एक मंडल बोलते हैं, एक परत बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहां से जितना भी आपका अक्षांशीय क्वेश्चन था, स्थिति और महत्व मैंने आपके भारत के नक्शे में क्लियर कर दिया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम समझेंगे देशांतर में भारत की स्थिति और उसकी महत्वता क्या है, ये भी क्लियर कर लें। यह है पृथ्वी। पृथ्वी में एक रेखा है बिल्कुल बीचों बीच, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। अब यहां पर ये जितनी भी ऐसी रेखाएं होती हैं, जैसे आपने ग्लोब में देखा होगा, ये सब रेखाएं कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक, अब इनको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। सबसे पहला सवाल कि हमारे जो देशांतर रेखाएं हैं तो वो पूरी पृथ्वी को, इस पृथ्वी को भी क्या करती हैं? दो, अब ये पूरे के पूरे जो समय है वो समय को निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? समय का निर्धारण करती है। तो देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको कि अक्षांश स्थिति, जो अक्षांशी रेखा है, उसका महत्व केवल तीन महत्व पॉइंटों पर मैं बात करी थी। पहला कि हमारा क्या है, आपकी जैव विविधता में कमी आती है। दूसरा, दिन और रात में वृद्धि होती है और तापमान में जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें कमी आती है। तो देशांतर रेखा किस केवल केवल आपका क्या निर्धारण करती है? समय रेखा। क्या करती है? समय। ये ग्रीनविच रेखा जो है, इसको एक सेंटर केंद्र पॉइंट मानकर 0 डिग्री माना गया और इसी के आधार पर पूरे विश्व में समय को निर्धारण किया जाता है। आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा कि लंदन के समय से आपका समय 5.5 घंटे आगे होता है। ये बात पूरी तरीके से समझने वाला विषय है। और यहां से जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है, ये रेखाएं जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, तो यहीं पर आपके बिल्कुल भारत स्थित है। ये आपका भारत। ठीक, अब ये जो भारत है, तो क्वेश्चन सवाल में जरूर आता है कि यहीं पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भारत देशांतर स्थिति में कहां पर स्थित है विश्व के नक्शे में? तो आपको बताना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 3 क्वेश्चन बनेंगे। भारत अक्षांश स्थिति में कहां स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। और आपसे पूछा जाए कि भारत देशांतरीय, विश्व के देशांतरीय रेखा पर कहां स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यदि ये पूछा जाए कि विश्व के नक्शे में भारत कहां स्थित है, तो आपको आंसर देना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यहां से 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में नोट करने हैं। आगे बढ़ेंगे, ये बात हमें समझ में आ गई, देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? समय का निर्धारण करती हैं। दूसरा, अब इसमें से एक पॉइंट और भी समझना हमें टैक्स से संबंधित, कि यहां पर एक बात और भी पूछी जाती है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। तो ये 360 कैसे हैं, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी कितने डिग्री पर है? पूरा एक वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। जब 360 डिग्री का होता है, तो मैंने आपको बताया कि ये एक भूमध्य या सॉरी यहां पर अक्षांश रेखा होकर जाती है। तो ये अक्षांश रेखा क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये है कितने डिग्री की? 180 डिग्री पर यहां पर आएंगे, कोण बनेंगे।
अब कोण 180 डिग्री के बनेंगे, तो ये बात ध्यान रखें यहां पर कितनी सामने रेखा आपकी खींची हुई दिखेंगी, 180। जब 180 सामने है तो इसके पीछे भी 180 होंगे, तो 180 और 180 कितने हो जाएंगे, 360। यानी कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360। ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक डिग्री बराबर कितने मिनट होता है, तो आंसर 4 मिनट। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य होता है कि पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन ये भी पूछता है एक डिग्री बराबर अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आंसर देंगे 111.32 किलोमीटर। यानी कि हमें एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा पर पहुंचना है तो हमें कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, 111। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हमने विश्व के नक्शे पे यानी कि ग्लोब की स्थिति से हमने समझ लिया अक्षांशीय और देशांतर स्थिति में और उसके महत्व क्या है वो भी समझ लिए। अब एक बात ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के नक्शे में अगर समय का, विश्व में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को अगर समय का निर्धारण करना है तो वो किससे, किसके आधार पर करेगा, देशांतर के आधार पर। लेकिन अगर कोई देश अपने देश की समय को निर्धारण करना है तो उसने एक रेखा का नाम, एक रेखा का नाम है जिसको वो बोलते हैं मानक समय रेखा। हर एक देश की एक मानक समय रेखा होती है और उस मानक समय रेखा के हिसाब से उस देश का समय निर्धारण किया जाता है। तो हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बढ़ेंगे भारत की, यानी कि भारत की नक्शे की स्थिति समझेंगे। ये तो विश्व के नक्शे की स्थिति समझ ली, अब हम भारत के नक्शे की स्थिति को समझेंगे। ये है हमारा भारत का नक्शा, कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अब हम जो भारत की स्थिति, यानी कि हमने पहला ही पॉइंट समझा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति और महत्व को समझेंगे, दो आधार पर समझेंगे। पहले एक विश्व के नक्शे पर और अब हम भारत के नक्शे पर समझेंगे। मैंने लिखवाया था कि हम समझेंगे जो भारत की स्थिति वो किसके आधार पर समझेंगे, सीमा के आधार पर। तो यहां पर एक बात ध्यान और भी रखना है आपको कि भारत को दो भागों में बांटा जाता है। वो रेखा कौन सी बांटती है, अक्षांशीय रेखा होती है वो जो बांटती है दो भागों में, उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा बांटती है, कर्क रेखा। यानी कि भारत को दो भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा, विषुवत रेखा। तो कर्क रेखा जब भारत को दो भागों में बांटती है तो इसके उत्तरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हिमालय भारत। क्या बोलते हैं, हिमालय भारत। और इसके नीचे वाले यानी कि दक्षिण वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप भारत। यानी कि हम कर्क रेखा को समझ रहे थे, कर्क रेखा यानी कि हिमालय भारत को, मतलब कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, एक हिमालय भारत में और एक प्रायद्वीप भारत में। तो दिमाग में एक बात आती है कि ये प्रायद्वीप किसे कहते हैं, बच्चे के दिमाग में पहले ही सवाल आ जाता है। हिमालय तो समझ में आ जाता है कि जो हिमालय वाला क्षेत्र है उसको हमने बोल दिया हिमालय भारत, लेकिन प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। प्रायद्वीप क्षेत्र उसे कहते हैं पृथ्वी का वह भूभाग या कोई सा भी भूभाग हो, पृथ्वी का वह भूभाग, पृथ्वी का
वह भूभाग जो पानी से चारों तरफ से घिरा हो, सॉरी तीन तरफ से घिरा हो, पृथ्वी का वह भूभाग जो पानी से तीन तरफ से घिरा हो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और यहां पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा भारत पानी से, पूरे पानी से क्या है? घिरा हुआ है। क्लियर? तो ये जो क्षेत्र है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। और भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में क्या है? तो वो है हिंद महासागर। तो ये बात आपको बिल्कुल पॉइंट करनी है कि हमारे भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर। हमारे भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। और हमारे भारत के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र स्थित है, मतलब कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर की खाड़ी स्थित है। तो आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर की खाड़ी, और भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली कर्क रेखा, प्रायद्वीप भारत और हिमालय भारत। तो अब यहां से यहां तक तो हमने ये समझ लिया भारत के आसपास के क्षेत्र में क्या है और क्या नहीं है। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य हम समझेंगे यहां पर, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लिखते हैं। उस महत्वपूर्ण तथ्य में हम क्या क्या क्वेश्चन होते हैं उसको समझते हैं, फिर उसको मैप पर हम जस्टिफाई करेंगे कि कैसे कैसे किस तरीके से होगा। पहला, भारत का कुल क्षेत्रफल। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर यही सवाल कुल क्षेत्रफल अगर वो लगभग में दे देता है तो लगभग में हम इसको बोलेंगे 33 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अब दूसरा पॉइंट, भारत का पूर्व से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, इसको भी समझाऊंगा, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है भारत का उत्तर से उत्तरी अक्षांश विस्तार (8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग के। अब यहां से नेक्स्ट चौथा जो पॉइंट्स है वो पूछा जाता है भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर
और पांचवा क्वेश्चन है, भारत की जलीय सीमा 7516 किलोमीटर, और छठा क्वेश्चन है भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। तो हम पहले इन छहों क्वेश्चनों को इस मैप पर समझ लेते हैं, और इस छह क्वेश्चन के बाद और क्वेश्चन कितने बनेंगे उनको समझ लिया जाए। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने पहला ही क्वेश्चन लिखा था कि भारत की पूरा कुल क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा का पूरा भौगोलिक विस्तार, चाहे वो जलीय हो चाहे वो स्थलीय है, टोटल कितना स्क्वायर किलोमीटर है, 32,87,200। यानी कि यहां से स्टार्ट कर लीजिए आप, पूरा ये पूरा एरिया, ये पूरा क्षेत्र, पूरा सीमा का ये पूरा का पूरा, और ये अंदर का जितना भी क्षेत्र है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर हम इसको लगभग में कह सकते हैं 33 लाख वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि भारत का पूरब से लेकर पूर्वी देशांतर विस्तार। अब आपको थोड़ा सा बैक की क्लास में समझा हुआ समझे होंगे आप लोग कि मैं जब आपको ग्लोब समझा रहा था तो उस ग्लोब में आपको एक आइडेंट वहां पर चिन्हित किया कि भारत यहां पर स्थित है। तो भारत, ये आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझा लेता हूं। ये आपको पूरा का ये देखिए, ये आपको देशांतर है, ठीक है, देशांतर रेखाएं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम में। यहां पर ये भारत का नक्शा है, मान लीजिए भारत का नक्शा, ठीक। अब भारत पूरब से, यानी कि ये जो ग्रीनविच रेखा थी इससे पूरब की तरफ, क्योंकि इसने पृथ्वी को एक तो आपका उत्तरी पूर्वी भाग बना दिया, एक उत्तरी पश्चिमी बना दिया, और एक दक्षिण पश्चिमी बना दिया, और एक बना दिया दक्षिण पूरब। ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहां पर क्या है, ये पश्चिम है, ये आपका पूरब है, ये उत्तर है, और ये है दक्षिण। तो मैंने एक बात कही थी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, यही बात देशांतर पूरब से, यानी कि यहां से 0 डिग्री से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करते करते जब 68वीं देशांतर रेखा आती है तो वहीं पर भारत की ये जो पॉइंट है 68वीं रेखा पर, जो 68वीं देशांतर रेखा, वहीं से भारत क्या है आपका प्रारंभ होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि 97वीं जो देशांतर रेखा है ग्रीनविच के बाद, वहां पर भारत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी कि समाप्त का मतलब उसके अंतिम सीमा हो जाती है। अब यहां से अब भारत का देखिए पूरब से, पूरब क्यों बोला, क्योंकि ग्रीनविच से पूरब की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किस तरफ बढ़ रहे हैं, पूरब से पूर्वी देशांतर, पूरब से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है आपका 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25। सबको समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अक्षांशी की, बात कर लें तो अक्षांश में लिखा है भारत की अक्षांशीय जो विस्तार है उत्तर से लेकर उत्तरी अक्षांश विस्तार जो है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक। तो यहां से 8, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठवीं जो आठवीं अक्षांश रेखा है वहां से भारत क्या है स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट तो आपको मैं बता दूं, प्रारंभ 6 डिग्री 45 मिनट से ही स्टार्ट हो जाता है, जहां पर आपका इंदिरा पॉइंट है, यानी कि दक्षिणतम बिंदु, और भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु जो है
वो है कन्याकुमारी, जहां से 8 डिग्री 4 मिनट आपका प्रारंभ होता है। तो हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं तो हम भूमि पर ही चर्चा करेंगे। तो यानी कि आपकी स्टार्ट कहां से होता है, प्रारंभ कहां से होता है, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8वीं जो अक्षांश रेखा वहीं से भारत क्या है, यहां पर, यानी कि यहां पर आकर 8 डिग्री 4 यानी कि 8वीं अक्षांश रेखा यहां पर स्पर्श करती है कन्याकुमारी पर, और 37वीं रेखा 37 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है वो इंदिरा कोल है आपका पॉइंट। क्वेश्चन आता है कि भारत का उत्तरी बिंदु किसे कहते हैं, कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और उसका नाम क्या है, इंदिरा कौर। आगे चल के इसी बात पर और भी चर्चा करनी है, ठीक है। यहां तक दूसरा तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पूछता है भारत की जली सीमा, जली सीमा की बात कर लें कि जो भी ये तटी का पूरा क्षेत्र है, तो इस जली सीमा तटी सीमा में अंतर क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, जली सीमा और तटी सीमा में अंतर क्या है। अब हम जली सीमा और तटी सीमा में अंतर समझ लेते हैं। जली सीमा वह सीमा जो आपकी किसी मुख्य भूमि से भी स्पर्श करती है और किसी अन्य भूमि से, सीमा से, किसी देश से स्पर्श नहीं करती है तो भी वो जली सीमा कहलाती है। जैसे कि हम बात कर ले यहां पर आपका अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो एक जली सीमा बनाता है, साथ साथ में तटी सीमा भी बनाता है। ये बात दिमाग में बिल्कुल नोट करेंगे, तटी सीमा के साथ जली सीमा बनाई जाती है। तो जो जली सीमा है उस जली सीमा में एक बात और भी हमें समझना है कि यहां पर जो ये पूरी है जली सीमा, ये पूरा का पूरा जल का विस्तार। देखिए क्वेश्चन यहां से आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हम बात कर लें ये जो पॉइंट है, ये भूमि जो है इसे हम बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक तटी सीमा। कौन सी सीमा बोलते हैं, प्रादेशिक तटी सीमा। और इसके बाद जो सीमा होती है उसे हम बोलते हैं अनन्य वित्तीय तटीय सीमा। ठीक, ये वाला। और जो इसके बाद तीसरी जो सीमा होती है जल की वो कहलाती है आपकी संलग्न तटीय सीमा। देखिए ध्यान से, यहां पर प्रादेशिक सीमा में भारत का पूरा अधिकार होता है, क्या होता है, पूरा अधिकार होता है, यानी कि यहां पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सभी भारत को अधिकार होते हैं, उसका प्रयोग कर सकता है। दूसरा, यहां से इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट सीमा है जली, वो है अनन्य वित्तीय तटी सीमा। यहां से भारत, इस सीमा से भारत ज्यादा से ज्यादा वित्त संग्रहित करता है। वित्त संग्रहित कैसे करता है वो दिमाग में ध्यान रखिए, किसी भी अन्य देश के द्वारा इस क्षेत्र से अगर पानी का जहाज लेकर जाया जाता है तो उन जहाजों से, उन देश से सीमा शुल्क का क्या किया जाता है, लिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा इन क्षेत्र से जाने वाले जितने भी पानी के जहाज होते हैं उनसे सीमा शुल्क लिया जाता है, तो यहां से वित्तीय फाइनेंस कलेक्ट किया जाता है। और तीसरी जो सीमा है, यानी कि जिसे हम संलग्न तटीय क्षेत्र सीमा कहते हैं, यहां से केवल आप जितने भी प्राकृतिक संसाधन उनका दोहन करते हैं, दोहन का मतलब यूज करते हैं आप, अब वहां पर ये बात समझ, किस प्राकृतिक संसाधनों का, पेट्रोल डीजल, इन सभी जो आपके महंगे संसाधन है, कीमती संसाधन है, वो कहां, किस सीमा में होते हैं, संलग्न तटीय सीमा में होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत प्राकृतिक संसाधनों का संग्रहित किस सीमा से करता है, तो प्रादेशिक तटीय सीमा से।
क्वेश्चन पूछा जाए कि पानी के जहाज के द्वारा जो सामान लाया जाता है वो किस सीमा पर भारत, वो किस सीमा क्षेत्र पर जाने वाले जहाज से वसूल करता है, वो अनन्य वित्तीय तटीय सीमा सीमा शुल्क जो वसूल करता है, और जो पेट्रोल डीजल इनका जो दोहन करता है, उनका प्रयोग करता है, वो कहाँ करता है? संलग्न तटीय सीमा। और एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछा गया है कि अनन्य तटीय सीमा में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान किस सीमा पर किए जाते हैं? साइंटिफिक रिसर्च जो किए जाते हैं वो अनन्य वित्त तटीय सीमा पर किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इन्हीं सीमाओं की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो कितनी है? 7516 किलोमीटर, जिसमें आपका अंडमान निकोबार भी समाहित है। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर है? इसे बोलते हैं हमें जलीय सीमा। और साथ में देखो तटीय सीमा पर भी हमें, क्यों? क्योंकि तटीय सीमा की तट से ही तो है ये चीज। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है प्रादेशिक सीमा की कितनी दूरी है? 12 मील। और इसकी कितनी है? 24 मील। और 24 मील किसकी है? अनन्य वितीय तटीय सीमा। और इसकी कितनी है? 200 मील। तो ध्यान रखेंगे संलग्न तटीय सीमा की भारत के तट से कितनी दूरी है जल की सीमा? 200 मील। और यहाँ से तटीय सीमा जो आपकी अनन्य वितीय तटीय सीमा है वो कितनी दूर है? 24 मील। और प्रादेशिक सीमा भारत के तट से कितनी दूर है? 12 मील। ये पूरा का पूरा क्षेत्र कितने किलोमीटर है? 7516 किलोमीटर है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ेंगे हम किसकी तरफ? तटी को समझ लेते हैं। तटी का मतलब जो होता है वो किसी भी या राज्य से हो या किसी देश से, जल की जो सीमा होती है वो किसी अन्य राज्य या देश से अंदर की जो सीमा होती है बनाती है, तो उसे हम उस क्षेत्र उस सीमा को हम तटीय सीमा कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा ये क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? तटीय सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? तटीय सीमा। और इसी तटीय सीमा की दूरी जो है कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। मैंने आपको पॉइंट कराया होगा। अब इसी तटीय सीमा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तटीय सीमा से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो आंसर कितना आएगा? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। अब इन 9 राज्यों को हम समझ लें तो देखिए तटीय सीमा जो आपकी लगती है वो यहां से लेकर पूरा, यहां से आप लें यहां से, ये पूरा का पूरा क्या है जो रेड कलर में है आपका, ये क्या है? तटीय सीमा है। क्या है? तटीय सीमा। यानी कि ये क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? तटीय सीमा। क्लियर? अब ये आपको पता होगा ये राज्य कौन सा है? गुजरात। हाँ, तो हम बात कर रहे थे तटीय सीमा पर। और यहाँ पर ये जितने भी स्टेट हैं ये स्टेट इस समुद्र की सीमा से एक तटीय सीमा बनाते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, और हम बात करेंगे छोटा सा स्टेट है गोवा, और यहीं पर आपका है कर्नाटक, और ये है आपका केरल, और ये आपका तमिलनाडु, और ये आपका आंध्र प्रदेश, और ये आपका ओडिशा, और यहीं पर आपका ये आपका पूरा का पूरा जो है ये है आपका वेस्ट बंगाल, यानी कि हम बात कर लें पश्चिम बंगाल। तो देखिए हम यहां समझ लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि हमने जो बात करी तटीय सीमा से लगने वाले राज्य कितने हो गए, 9। अब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। क्वेश्चन समझ में आ गया, सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, और सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गोवा। तो यहां से आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन, भारत की कितने ऐसे राज्य जो तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य। स्पेशल क्वेश्चन क्या पूछता है, वो ये पूछेगा कि आपको चार ऑप्शन देगा, पहला 1, 2, 3 और 4। वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस ऑप्शन के साथ कि निम्न में से कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता है। तो आंसर आप देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना बना एक नया राज्य 2 जून 2014 को। तो यानी कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो भारत की तटीय सीमा नहीं बनाता है, तटीय सीमा बनाने वाला राज्य नहीं है। तो आप बात को समझ में आ रही होगी कि कहां से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबसे लंबी, सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन एक नया अगर क्वेश्चन बनाना चाहेगा एग्जामिनर, तो वो जरूर बनाएगा कि अगर वो कह दे कि भारत के पूर्व में सबसे छोटी, भारत के पूर्व में सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला, छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो मैंने आपको इस ड्रॉन एरो के साथ क्वेश्चन को समझा दिया है कि ये कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। तो यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ ले पूर्व में कौन सा राज्य है जो छोटी सबसे तटीय सीमा बनाता है, वो पश्चिम बंगाल, और वही क्वेश्चन पूछ ले सबसे लंबी, तो ध्यान रखेंगे सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो मेरी बात समझ में आ गई, यहां से क्वेश्चन तटीय सीमा से आपको बिल्कुल करेक्ट तरह समझ में आया या नहीं आए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और, तो ये तो आपकी तटीय और जली सीमा का जो पॉइंट था वो मैंने आपको पूरी अच्छे तरीके से व्याख्या कर दिया। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत का लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये रहा, कौन सा है, लक्षद्वीप। द्वीप किसे कहते हैं, सॉरी द्वीप यानी कि द्वीप किसे कहते हैं, बता, आप ध्यान से सुनेंगे। पृथ्वी का वह भूभाग जो पानी से चारों तरफ से घिरा हो वो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। ये नहीं कहने का मेरा मतलब है कि आप कहीं पर भी पानी के किसी भी भूमि के चारों तरफ अगर पानी दे तो उसे द्वीप कहते, नहीं, पृथ्वी का वो बड़ा भूभाग होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। अब पृथ्वी का वह बड़ा भूभाग जो पानी से तीन ओर से घिरा हुआ उसे हमें प्रायद्वीप, मैंने पहले ही आपसे चर्चा कर ली। तो आपसे ध्यान रखेंगे लक्षद्वीप भारत के कहां पर स्थित है,
अरब सागर की खाड़ी में कहाँ पर स्थित है? क्योंकि आपको यही बताया मैंने, अरब सागर की खाड़ी यहीं पर है। तो केरल के पास कौन सा एक द्वीप है केंद्र शासित प्रदेश, आपका भारत का केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। तो कहां पर स्थित है? पश्चिम में। और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि हम बात कर लेंगे कौन सा, आपकी बात कर लेंगे अंडमान निकोबार। तो वो कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अंडमान निकोबार भारत के कहां स्थित है, तो भारत के बंगाल की खाड़ी में यानी कि पूरब में स्थित है, और लक्षद्वीप कहां है? तो केरल के पास निकट है और अरब सागर की खाड़ी में। और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों यहीं पर हैं आपके, ठीक यहां पर है यानी कि महाराष्ट्र के पास। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पूरब का तट एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इस पूरब के तट को, किसको? इस पूरब के तट को जो बोला जाता है वो बोला जाता है कोरोमंडल तट। क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट। क्लियर हो गया इस पूरब के क्षेत्र तटीय भाग को। और हम बात कर लें कि यहां से लेकर और यहां तक गोवा तक सॉरी कर्नाटक तक इस पूरे तटीय भाग को, इस वाले पूरे तटीय भाग को ध्यान रखेंगे, इस वाले जो मैं आइडेंट कर रहा हूं ये है कोंकण तट। क्या बोलते हैं हम इसको? कोंकण तट। और यही कर्नाटक से ही केरल वाला भाग, ये केरल वाला भाग ये वाला, इसे हम बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं हम? मालाबार तट। तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा भारत के पूर्व तटीय सीमा को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिम में स्थित महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक की तटीय सीमा को क्या बोला जाता है? कोंकण तट। और कर्नाटक से लेकर केरल तक के क्या बोला जाता है? मालाबार तट। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, कुल द्वीप भारत में कुल कितने द्वीप हैं, तो कितना आंसर बताएंगे आप? 247। कितने? 247। अब 247 में एक बात ध्यान रखेंगे, 247 में 204 जो हैं वो कहां पर स्थित हैं? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर हैं? बंगाल की खाड़ी में। और जो 43 यानी कि 43 हैं वो कहां पर हैं? अरब सागर की खाड़ी में। अरब सागर में। कहां पर है? अरब सागर में। ये बात क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, अरब सागर में कितने द्वीपों की संख्या है, तो 43 और बंगाल की खाड़ी में कितनी है? 204। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी, द्वीप मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है। यहां से इसके बाद नेक्स्ट सीटेट से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सीमा से, यहां से समझ में आया जल सीमा तटीय सीमा के बारे में, यहां से जितना भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन समझा दिया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन और भी है, वो ये कहता है कि मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? आपके पूरे भारत के दक्षिण में यानी कि केरल और तमिलनाडु का जो ये तट भाग है ये वाला ये क्षेत्र, यहां पर मन्नार की खाड़ी है। और पाक जल संधि भी यहीं पर है, यानी कि आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा मन्नार की खाड़ी कहां पर है, तो आप बताएंगे जहां केरल और तमिलनाडु का दक्षिणतम तटीय बिंदु है वहां पर क्या है? मन्नार की खाड़ी है। क्लियर बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट, हम ऊपर की तरफ आए। अब प्रायद्वीप भारत को हम समझ लिए तो हम कहां पर आएंगे? अब समझेंगे हम कि हिमालय भारत में क्या क्या क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम। यहां पर ये जो कर्क रेखा है, सबसे पहला सवाल तो ये भी हिमालय भारत की तरफ से समझ लीजिएगा, कर्क रेखा से गुजर यानी कि कर्क रेखा कितने राज्यों से भारत की गुजरती है, तो
तो आपको पता है 8 राज्यों से, कितने 8 राज्यों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और काफी ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 8 वो राज्य कौन से हैं हम इसी सीक्वेंस के आधार पर समझ लें। यहीं पर देखिए गुजरात, फिर यहां लिख देता हूं गुजरात, दूसरा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक, और त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य आपको बिल्कुल यहाँ कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं और ये बात काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि भारत की कर्क रेखा पहले किस राज्य से होकर गुजरती है, तो वह है गुजरात, और अंतिम कौन सी है मिजोरम। ये बात ध्यान रखेंगे, अंतिम किस राज्य से होकर गुजरती है आपका मिजोरम, और प्रारंभ कहां से होती है आपको गुजरात। ये बात ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में। अब वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा इस पर भी समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन पूछेगा मिजोरम भी आपको देगा, मणिपुर भी देगा आपको ऑप्शन, और त्रिपुरा भी देगा आपको, और राजस्थान भी देगा। क्वेश्चन कहेगा निम्न में से किन राज्यों से कर्क रेखा भारत के नहीं होकर गुजरती है, तो आंसर क्या होगा मणिपुर। देखिए आप कहीं पर भी, मैंने मणिपुर की चर्चा नहीं करी और ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार ज्यादा ऑप्शन बनाया गया है डी ऑप्शन को, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस राज्य से होकर जाती है, दो पोजीशन होती है क्वेश्चन पूछने की, एक है में और एक नहीं में। ज्यादातर नहीं क्वेश्चन पूछता है क्योंकि बच्चा है वाले को तो याद करके जाता है और नहीं वालों को फोकस नहीं कर पाता ढंग तरीके से, इसलिए गलतियां हो जाती है वहां से। जो नेक्स्ट बिंदु होगा वो हिमालय भारत की तरफ हम अध्ययन करेंगे। अब तक हमने प्रायद्वीप भारत को पूरी अच्छे तरीके से समझ लिया, अब हम हिमालय भारत से जितने भी सीमा से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम अध्ययन करेंगे। यानी कि हिमालय भारत, और जो मैंने पहला एक बिंदु लिखवाया था भारत की स्थलीय सीमा जो है वो कितनी है 15,200 किलोमीटर। तो यानी कि यहां से लेकर और आपके पूरे यहां से, क्या नाम है आपका, ये पूरा बांग्लादेश है पूरा का पूरा, यहां तक जो है ये एरिया पूरा, ये सेक्टर आप देखिए, ये रिपीटेशन समझ में आ रहा होगा आपको, ये भूटान है। ये कौन सा देश है भूटान है, कौन सा देश है भूटान। ये एरिया पूरा ये देखिए, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे, ये जितनी भी भूमि है ये सीमा, इसको हम बोलते हैं स्थलीय सीमा। क्या बोलते हैं हम स्थलीय सीमा। उसी की ये जो दूरी है वो कितनी है 15,200 किलोमीटर। अब यहां से जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो पूछा जाएगा वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, सॉरी भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, और भारत के कितने राज्य अन्य देश की स्थलीय सीमा से लगते हैं। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस पर काफी ज्यादा फोकस करिएगा। उससे पहले एक पॉइंट और भी समझ लेते हैं,
कि ये जो दक्षिणतम बिंदु, सॉरी पश्चिम बिंदु है, कौन सा? पश्चिम बिंदु। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का पश्चिम बिंदु किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर कौन सा राज्य है, गुजरात। तो उस पश्चिम बिंदु में जो बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गौर माता। क्या बोलते हैं हम? गौर माता या सरक्रिक, क्या बोलते हैं? सरक्रिक, ध्यान रखेंगे, गौर माता या सरकरी। और यहां पर अगर हम बात कर लें पूर्वी बिंदु, अगर बात आपसे पूछ ले कि भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में है, तो आपको आंसर देना है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। तो अब ये पूर्वी बिंदु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम बिंदु किस राज्य में है? गुजरात में। पश्चिम बिंदु का नाम क्या है? गौर माता या सरक्रिक। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी बिंदु है वो उसे हम क्या बोलते हैं? किबथू, किबी थू, ये बात ध्यान रखेंगे। या इसे हम बोलते हैं वलांगू। क्या बोलते हैं हम? वलांगू। तो या तो आपको ऑप्शन किबथू देगा या वलांगू देगा, दोनों नहीं देगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, वलांगू भारत का पूर्वी बिंदु है, किवतु भारत का पूर्वी बिंदु, तो जो कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करेंगे हम इंदिरा कौल की। जो इंदिरा कौल है ये भारत का उत्तरी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? उत्तरी बिंदु। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ है, स्थित है, तो आप बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता होगा ये क्षेत्र कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो उत्तरी बिंदु कहाँ पर स्थित है? जम्मू का। और उस उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कौर। और यहां पर आपको 8:06 पर जो आप एक रेखा है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा, क्या बोलते हैं हम? इंदिरा पॉइंट, ये कहां पर है? ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु। कौन सा बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु। अब ये कहां पर है, तो आप ध्यान रखेंगे ग्रेट निकोबार। कहां पर? ग्रेट निकोबार। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ है, दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, ग्रेट निकोबार, और कौन सा बिंदु कहलाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपकी मुख्य भूमि का बिंदु, यानी कि अगर हम बात कर ले यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी कि नॉर्थ से लेकर उत्तर से लेकर और दक्षिण की जो दूरी है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। और दक्षिण की मुख्य बिंदु, जो दक्षिण का मुख्य बिंदु है, मुख्य भूमि बिंदु है, उसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं हम? कन्या कुमारी, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, ये बात समझ में आए। और यहां से इस गौर माता से और किबतू तक की दूरी जो है, यानी कि अगर हम बात करेंगे पश्चिम से पूरब कि जो दूरी है वह है 2935 किलोमीटर। कितनी है? 2935 किलोमीटर। ये बात दिमाग में ध्यान रखेंगे या बिल्कुल नोट कर लेंगे, पूरब से पश्चिम की दूरी 2935 किलोमीटर, और
उत्तर से दक्षिण की दूरी दूरी आपका 3214 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण बिंदु से जितने भी क्वेश्चन थे, ये बात समझ में आ गए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब वो बात करेंगे कि कितने देश भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं और स्थलीय सीमा उनसे स्पर्श करती है। ये है आपका पाकिस्तान, क्या है? पाकिस्तान, ठीक। और इसी के ऊपर है आपका अफगानिस्तान, और यहां से पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, उत्तर का पूरा भारत कवर किए हुआ है, वो है चीन। कौन सा? चीन। और यहां पर ये जो बात कर रहे हैं, ये कौन सा है? नेपाल। और ये क्या है? भूटान। बात समझ में आए? और यहां पर इससे इधर वाला जो पूरब की साइड में स्थित है वो है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। और ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो देखिए, कौन कौन से देश भारत की स्थलीय सीमा से स्पर्श करते हैं, इस पर हम ध्यान रखेंगे। पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये बात समझ में आ गई? अब हम ये समझेंगे कि जो देश हैं वो भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और साथ साथ में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से बनाता है, तो वो आंसर आता है बांग्लादेश। ये बात ध्यान रखेंगे। और मैं सभी की स्थलीय सीमा की लंबाई जरूर लिखवा देता हूं, स्थलीय सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। और म्यांमार की कितनी है? 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643। और चीन की कितनी है? 3488 किलोमीटर। कितनी है? और नेपाल की कितनी है? 1751 किलोमीटर। और भूटान की कितनी है? 699 किलोमीटर। और पाकिस्तान की कितनी है? 3330 किलोमीटर। कितनी है? 3330 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की कितनी है? 106 किलोमीटर। अब देखो, यहीं से समझने में आ जाएगा, हमें आइडिया विचार बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे हमें, कि देखिए सबसे ज्यादा अगर हम लेंथ किलोमीटर लंबाई की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको बांग्लादेश की, मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद दूसरी पोजीशन अगर किसी देश ने उठाई है तो सबसे ज्यादा है चीन ने। फिर तीसरे पोजीशन पर कौन आया है? पाकिस्तान। चौथे पे कौन आया है? आपका नेपाल। फिर पांचवे पे कौन आया है? म्यांमार। और छठे पे कौन आया है? भूटान। और सातवें पे कौन आया है? अफगानिस्तान। तो भारत के कितने ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो गई? 7, ठीक। और जो जली है ये भी आपका पड़ोसी देश है, यानी कि श्रीलंका, वो 8। आंसर आपको करेक्ट करना है। लेकिन ये स्थलीय सीमा नहीं बनाता, ये कौन सी सीमा बनाता है? जलीय सीमा। श्रीलंका जो होता है, श्रीलंका जो देश है, भारत से किस प्रकार की सीमा बनाता है? जलीय सीमा। ये बात ध्यान रखिएगा। और आपका सिंगापुर, मलेशिया,
ठीक है, ये सब अन्य देश जो है वो क्या करा किससे बनाते हैं, जली सीमा बनाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से जो भारत की सीमा है जो लग रही है उनसे किन किन राज्यों से भारत के राज्य स्पर्श करते हैं पाकिस्तान से, वो बात ध्यान रखेंगे। पहला गुजरात, देखिए गुजरात जलीय भी सीमा बनाता है, तटीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। और ऐसे ही पश्चिम बंगाल, दो ऐसे राज्य हैं जो जलीय और तटीय दोनों सीमा बनाते हैं, जलीय सॉरी जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। कौन सा राज्य है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या देंगे, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जलीय और स्थलीय सीमा बनाने वाले दो ही राज्य हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और सभी स्पेशल तौर पर या तो तटीय जली बनाएंगे या तो स्थलीय बनाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और गुजरात, उसके बाद जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं राज्य, पाकिस्तान गुजरात और राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, चार राज्य। ऑप्शन में आपको जरूर एक नाम जरूर रखेगा, हरियाणा, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान से आप प्रश्न को पढ़िएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा, और यहां से कहीं भी मिस्टेक मत करेगा। आप थोड़ा सा भारत के एक एक रुपए का पॉलिटिकल मैप आता है बाजार में, आप उसको खरीद कर अच्छे तरीके से समझें और उस चीज को मैप पर ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करें, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान से चार राज्य से सीमा बनते हैं, ऐसे ही अफगानिस्तान से केवल केवल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य है जो सीमा बनाता है, कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर, क्लियर। उसमें भी एक पीओके का जो सेक्टर आता, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, एक विवादित मुद्दा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसलिए कभी ऐसा भी सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान भारत से सीमा बनाता है या नहीं बनाता, तो आप जरूर याद रखेंगे बनाता है, ये बात क्लियर रखेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट्स, आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान से केवल एक ही राज्य सीमा बनाता है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। अब हमें नेक्स्ट देश की राज्य की सीमा पर चर्चा करनी है, उसके बाद हम समझेंगे चीन। चीन देखिए आप, जम्मू कश्मीर, दूसरा पॉइंट, दूसरा जो राज्य है वह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे, देखेंगे यहां पर, देखिए ये है आपका जम्मू कश्मीर और यहां पर है हिमाचल प्रदेश, यहां है उत्तराखंड, और ये देखिए यहां सॉरी उत्तराखंड थोड़ा सा और ऊपर है नक्शे पे, आप देखिएगा जरा ध्यान से तो उस चीज को, यहां पर पूरा ये उत्तराखंड है जो चीन से सीमा लग रहा है, सिक्किम आपको पता ही है, येरा सिक्किम जो चीन से सीमा बनाता है, और ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, ये आपको पता ही चल गया होगा कि चीन से सीमा बनाता है। तो भारत के कितने राज्य हैं जो चीन से सीमा बनाते हैं, आप ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई एक ऐसा राज्य दिया जाएगा जो नहीं बना रहा होगा तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा राज्य ऐसा है जो नहीं बनाता है, या तो तीन राज्य ऐसे दे दिए जाएंगे जो नहीं बनाते हैं और एक राज्य ऐसा दे दिया जाएगा जो आपके जो चीन से वो भारत का राज्य सीमा बना रहा होगा, तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा बनाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो उसके बाद नेक्स्ट जो देश है उसके बाद हम नेपाल को समझ लेते हैं। नेपाल, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार और सिक्किम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम नेपाल से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट्स? आगे हम पढ़ेंगे, नेपाल के बाद हम आ जाएंगे भूटान की तरफ। भूटान नोट भी करते हुए चले जाएंगे आप लोग सभी, ठीक। भूटान में सिक्किम और पश्चिम बंगाल असम और अरुणाचल प्रदेश, आप ये जितने भी क्लासेस आप देख रहे हैं ना, आप ध्यान रखिएगा इन चीजों को, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जब आप एक मार्केट से एक रुपए का पॉलिटिकल मैप आप खरीदेंगे और उसको जब भरेंगे ना तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी कौन सा राज्य किस देश से सीमा बनाता है। आप ज्यादा कोशिश करिएगा नक्शे पर पढ़ने की और ये आपको बहुत हेल्प करेगी क्लास। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये बात एकदम ध्यान रखेंगे, ये चार राज्य किससे बनाते हैं? भूटान से। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो देखिए चार राज्य यहां पर भी म्यांमार से क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं, स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, ठीक। तो आपने भूटान को समझ लिया, सॉरी म्यांमार को समझ लिया, अब हम बढ़ेंगे बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश से कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत के सीमा बनाते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो ध्यान, हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें जब हम अध्ययन कर रहे होंगे तो हमें एक बात, मैंने आपको जितनी भी सीमा से किसी अन्य देश से अगर सीमा जो स्पर्श कर रही है उनके बारे में एक बात ध्यान रखना है आपको कि कोई भी ऐसा राज्य जो दो राज्य एक देश से सीमा बनाते हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो दो देशों से सीमा बनाता है। आपको पेयर बना के, जोड़े बना के देगा, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। अन्य जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे असम का क्वेश्चन है, असम भूटान से भी बनाता है और बांग्लादेश से भी बनाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आपको इस चीज पर अध्ययन भी करना है, समझना भी है और जितना ज्यादा आप इसको पढ़ेंगे तो उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये आपके बांग्लादेश से थी, ये बात समझ में आ गई। अब यहां से जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप ये होगा कि भारत का एक हिस्सा है जिसकी हम बात कर रहे थे, ऑक्साई चीन। किसकी बात? एक 1962 में, यानी 1962 की बात करें, ठीक, 1962 में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें ये क्षेत्र था ऑक्साई चीन, ऑक्साई चीन, जिसे 1962 में चीन ने अपने कब्जे में कर लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जो चीन के कब्जे में भारत और चीन के युद्ध के बीच में कर लिया गया था, वो चीन कहां पर है, किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखेंगे ऑक्साई चीन पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। और आगे ये बात ध्यान रखेंगे, इसी में से आपसे जितना भी ज्यादा आपको मैंने समझाया है ये पूरे की पूरी क्लास भारत की भौगोलिक स्थिति और महत्व को समझाती भी है
और क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे, जब सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो मैंने ये नहीं बता पाया था, सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो किसकी है, भूटान की, सबसे छोटी। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन समझना है आपको यहां पर, एक सबसे छोटी स्थलीय सीमा और भारत की जो किसी अन्य देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, अंतरराष्ट्रीय सीमा उसे ही बोला जाता है जब वो किसी देश की सीमा से स्पर्श करती है, ये बात, इंटरनेशनल बॉर्डर जिसे बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है, अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ना ही भारत का हिस्सा है ना ही वो पाकिस्तान का हिस्सा है, एक विवादित क्षेत्र है। तो भारत अपने नक्शे में दिखाता है, पाकिस्तान अपने नक्शे में दिखाता है। तो ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन ये पूछता है अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी किस देश से बनाता है भारत, तो आपको अफगानिस्तान देना है, और सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है, तो बांग्लादेश को आंसर देना है। और क्वेश्चन ये पूछता है सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश से बनाता है, तो बांग्लादेश देना है। और भारत किस देश से सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है, तो वो आंसर देना भूटान। ऐसा क्यों? क्योंकि स्थलीय सीमा इस पर भारत का कब, ये पूरी एकदम डिक्लेयर है, निर्धारित है कि भारत की भूमि है, और ये डिक्लेयर नहीं है, ये निर्धारित नहीं किया गया, इसलिए थोड़ा सा आपको विवादित हिस्सा है, यानी कि अपवादित क्षेत्र है। ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके जितना भी पॉइंट थे आपके भारत के भौगोलिक स्थिति एवं महत्व से आप ये ध्यान रखेंगे, और आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और इसके आगे की जो क्लासेस होगी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।